बड़ी खबर रायपुर से सामने आ रही है। बीजेपी प्रत्याशी ब्रजमोहन अग्रवाल हनुमान मंदिर पहुंचे। अहम जानकारी, बुढ़ापारा स्थित हनुमान मंदिर में वो पूजा अर्चना करते हुए भी नजर आए। कुछ देर में वो मतदान के लिए पहुंचेंगे। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। रायपुर से बीजेपी प्रत्याशी ब्रजमोहन अग्रवाल आज अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। साथ ही बता दें कि मतदान करने से पहले वो हनुमान मंदिर गए, जहां पर वो पूजा अर्चना करते हुए भी नजर आए और कुछ देर में मतदान के लिए वो पहुंचते हुए भी नजर आएंगे। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आज लोकसभा चुनाव को लेकर 11 राज्यों की 93 सीटों पर मतदान जारी है। वहीं रायपुर से बड़ी खबर, बीजेपी प्रत्याशी स्थित हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। साथ ही बता दें कि कुछ देर में वो मतदान के लिए भी पहुंचते हुए नजर आएंगे। रायपुर से ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी ब्रजमोहन अग्रवाल हनुमान मंदिर पहुंचे हैं। ये हनुमान मंदिर की तस्वीरें आपके सामने हैं। ये मंदिर बूढ़ापारा में है, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी ब्रजमोहन अग्रवाल पहुंचे। साथ ही आपको बता दें कि अभी कुछ ही देर में वो अपने मतदान का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्र में भी पहुंचते हुए नजर आएंगे। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आज लोकसभा चुनाव को लेकर 30वें चरण का मतदान जारी है। वहीं रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी ब्रजमोहन अग्रवाल की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां मतदान करने से पहले वो बूढ़ापारा स्थित हनुमान मंदिर पहुंचे। साथ ही आपको बता दें कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि वो हनुमान जी की पूजा अर्चना करते हुए भी नजर आ रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कुछ ही देर में बीजेपी प्रत्याशी ब्रजमोहन अग्रवाल मतदान केंद्र भी पहुंचेंगे और अपने मतदान का प्रयोग करते हुए भी नजर आएंगे। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बूढ़ापारा स्थित हनुमान मंदिर की, जहां बीजेपी प्रत्याशी ब्रजमोहन अग्रवाल पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं।